तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज मशीन लर्निंग एंड व्हाई यू शुड बी फोकसिंग ऑन मशीन लर्निंग एंड एआई इन 2024। आज की तारीख में जहां सब लोग कहते हैं कि एआई एंड मशीन लर्निंग जॉब्स छीन लेगी उन सारे डेवलपर्स की जो कि मेहनत करके सॉफ्टवेयर्स बना रहे थे, मेरा थोड़ा सा मानना यहाँ पर डिफरेंट है। मैं कहूंगा जॉब्स छीनेगा पता है कौन, एआई नहीं, वो इंसान छीनेगा जो कि एआई एंड मशीन लर्निंग टूल्स को सीखना जान जाएगा। क्योंकि एक बार एक इंसान एआई एंड मशीन लर्निंग के टूल्स को सीखना जान गया ना, उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा उन कामों को करना जो कि एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपर बहुत मेहनत डाल के करता है। और ऐसे में काम आने वाला है आपका स्मार्ट वर्क, कि आप लोग कर क्या रहे हो, आप क्या सीख रहे हो। एक काम को करने का एक तरीका था 10 मिनट में, आप लोगों ने उसको बना दिया 1 घंटा, आप उस क्लासिकल अप्रोच से कर रहे हो, तो आपको रिप्लेस कर देगा वो बंदा जो कि 10 मिनट में कर रहा है। और इसी की बात मैं आज करूंगा कि मशीन लर्निंग क्या होती है, एआई क्या होती है, आप लोग एआई एंड मशीन लर्निंग किस तरह से सीख सकते हैं, और कुछ मॉडर्न टूल्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको यूज करने चाहिए अगर आप लोग मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस करना चाहते हो इन 2024 और अपने करियर को एक बूस्ट देना चाहते हो। और थोड़ी सी बुरी लग सकती है ये बात, लेकिन मैं कहूंगा अपने कैरियर को बचाना चाहते हो। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग डेटा पर एक एल्गोरिदम ट्रेन करने की प्रोसेस है। इस बात का क्या मतलब हुआ? आपके पास बहुत सारा डेटा है, लेट्स से 3 बिलियन डेटा पॉइंट्स आपके पास हैं, और अब आप लोग चाहते हो कि आप लोग उन 3 बिलियन डेटा पॉइंट्स को देखते हुए नए डेटा पॉइंट्स के बारे में प्रिडिक्शन कर सको। नाउ लेट अस से मेरे पास डेटा है कि हवा कितनी तेज चल रही थी, मेरे पास डेटा है कि प्रेसिपिटेशन कितना था, ह्यूमिडिटी कितनी थी और टेम्परेचर कितना था उस दिन, और मुझे प्रेडिक्ट करना है कि वेदर इट इज गोइंग टू रेन और नॉट। मैं कर सकता हूं ऐसा यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। किस तरह से मैं करूंगा प्रिडिक्शन? मैं करूंगा एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को वो पुराना डेटा दिखाकर। तो मैं कहूंगा यार जब प्रेसिपिटेशन इतना, ह्यूमिडिटी इतनी, टेम्परेचर इतना, तब रेन हुआ था। प्रेसिपिटेशन ह्यूमिडिटी टेम्परेचर इतना, तो रेन नहीं हुआ था। फिर मैं जब नई वैल्यू दूंगा कि भाई आज का प्रेसिपिटेशन ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर ये है, तो उसके आधार पर मुझे वो बता देगा कि यार ये जो वैल्यू है इसके हिसाब से आज बारिश नहीं होने वाली है, आज बारिश होने वाली है। क्या वो सच होगा? नहीं, वो एक प्रिडिक्शन होगा। तो जो मशीन लर्निंग एंड एआई करता है वो प्रिडिक्शंस करता है। ये बहुत सिंपल सी प्रिडिक्शन की बात कर दी है मैंने, लेकिन इसी चीज को एक नेक्स्ट लेवल पर अगर आप लोग लेकर जाओ डीप लर्निंग के थ्रू, आप लोग अगर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स को ट्रेन करो, तो वहां पर देखा ये जाता है कि कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स पर ट्रेन करके ये प्रोसेस इतनी खतरनाक बन जाती है कि ह्यूमंस भी अमेज हो जाते हैं। ChatGPT एक इसका बहुत क्लासिकल एग्जांपल है। ChatGPT इज नॉट अ प्योर मशीन लर्निंग मॉडल। ChatGPT आप लोगों को मशीन लर्निंग के ऊपर कुछ लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन करके देता है, यानी कि उसमें कुछ रेगुलर रूल्स भी लिखे हुए हैं, कुछ चेक्स लगे हुए हैं। ChatGPT इज नॉट जस्ट अ न्यूरल नेटवर्क, ये भी मैं आपको बता दूं। तो उस न्यूरल नेटवर्क के ऊपर थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करके एक ऐसी चीज बना दी जाती है जो कि एक आम इंसान के माइंड को ब्लो कर दे। अगर आप लोग मशीन लर्निंग को सीखना चाहते हैं और मशीन लर्निंग मॉडल्स को डिप्लॉय करना सीखना चाहते हैं, क्योंकि भाई इंडस्ट्री में आप लोगों से बेसिक्स नहीं पूछे जाते हैं, आप लोगों के पास होगा रियल वर्ल्ड डेटा और आपको बोला जाएगा भाई इस डेटा पर हमें काम करके दो, कुछ इंसाइट्स निकाल के दो, बिजनेस का फायदा करा के दो। और ऐसे में आप लोगों के लिए जरूरी ये नहीं होगा कि आपको मशीन लर्निंग का ये वाले एल्गोरिदम का ये वाला फंक्शन याद है कि नहीं, लेकिन वहां पर जरूरी ये होगा कि आप इंप्लीमेंटेशन कितनी देर में कर रहे हैं। और अगर आप लोग इंप्लीमेंटेशन अच्छी तरह से कर पा रहे हैं ना, तो आप लोग उस जॉब में बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, आपको एक ऐसे इंसान के तौर पर पहचाना जाएगा कि यार ये इंसान तो 10 घंटे के काम को आधे घंटे में कर देता है AI टूल्स की सहायता से और कुछ ऐसे टूल्स की सहायता से जिससे AI मॉडल्स डिप्लॉय हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल Amazon SageMaker का एग्जाम्पल ले लो। आप Amazon SageMaker का इस्तेमाल करके मशीन लर्निंग मॉडल्स को बिल्ड कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो और डिप्लॉय कर सकते हो। और भी Amazon AWS की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोग यूज करके अपने वर्कफ्लो को बहुत फास्ट कर सकते हो। मैं Amazon के कुछ कोर्सेज को देख रहा था स्किल बिल्डर पर। अगर आपको नहीं पता स्किल बिल्डर क्या है, देन यू शुड नो अबाउट स्किल बिल्डर, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऐसे फ्री कोर्सेज हैं जो कि आपको जनरेटिव AI के बारे में सिखाएंगे, Amazon AWS के टूल्स को किस तरह से यूज करना है इसके बारे में सिखाएंगे। Amazon AWS पर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप लोग हमेशा अपना अकाउंट बना सकते हैं Amazon AWS पे, आपको 1 साल फ्री मिलता है। आप एट दिस पॉइंट चेक कर सकते हो क्या सीन है, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो Amazon AWS जो है आपको काफी फ्री टियर में मशीन्स वगैरह डिप्लॉय करने को देता है, विच इज एक्चुअली अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम Amazon साइड। तो मैं आपको Amazon AWS का स्किल बिल्डर के बारे में और Amazon के कुछ और कोर्सेज के बारे में दिखाता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन में। आप अगर इस वेब पेज को खोलेंगे जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक मशीन लर्निंग बेसिक्स का एक वीडियो दिया हुआ है, विच इज अ रिवॉल्यूशनरी वीडियो, लेट मी टेल यू। आप लोग इस वीडियो को देखना, मैंने इस वीडियो को पूरा वॉच किया एंड इट वॉज अ गेम चेंजर, क्योंकि इन्होंने Amazon AWS से किस तरह से ये सारी चीजें करना है और Amazon AWS के एस्पेक्ट को दिमाग में रखते हुए इसको बताया है, विच इन माई ओपिनियन इज ग्रेट। क्योंकि यार आप लोग अगर इस तरह के काम कर पा रहे हो ना,
तो यू आर द किंग ऑफ मॉडर्न जनरेटिव AI, ठीक है। सिर्फ आपको एल्गोरिथम्स के बारे में नहीं जानना है, आप लोगों को जानना चाहिए कि किस तरह से ये चीज़ें करना है। और यहाँ पर अगर आप लोग कोड विस्परर का यूज़ करना सीख गए, आप लोग सेज मेकर को यूज़ करना सीख गए, तो आप लोग AWS की सहायता से जो जो चीज़ें आप कर पा रहे हो ऑलरेडी, वो आप और फास्ट कर पाओगे। तो मैं अगर आप लोगों को स्किल बिल्डर के पास लेकर जाऊँ तो आप लोग इस पर साइन अप कर सकते हो। और बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर फ्री है यार, आप लोग इनको एक्सप्लोर करो और इनको लेना शुरू करो। Amazon AWS पर अकाउंट बनाओ और काम करना शुरू करो, एंड आने वाले एक दो साल में इन सब चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको रिप्लेस AI नहीं करेगा, आपको रिप्लेस करेगा AI को इस्तेमाल करके कॉनकर करने वाला इंसान, जो कि आपसे ज़्यादा फास्ट होगा क्योंकि वो AI का इस्तेमाल करता है। तो यार इसीलिए मैं ये सारी रिसोर्सेज जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोगों के लिए, एंड आप धीरे धीरे करके सारी चीज़ें सीख सकते हो। यहाँ पर Amazon ने खुद से आप लोगों के लिए फ्री कोर्सेज डाले हुए हैं जनरेटिव AI के, उसी के साथ साथ किस तरह से आप लोग Amazon AWS के टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हो, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, आप सभी लोग एक्सेस कर लेना। ये सारे जो लर्निंग पाथ्स के PDFs हैं और ये सब कुछ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम इस बात पे वापस आते हैं कि मशीन लर्निंग क्या होती है। तो डेटा को दिखाकर हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं मशीन लर्निंग की सहायता से, ये तो मैंने आप लोगों को अभी बताया। लेकिन मशीन लर्निंग होती है तीन प्रकार की, अगर सिर्फ मशीन लर्निंग की बात करूँ, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि आप लोगों के पास कुछ इनपुट है, एक आउटपुट है, या मल्टीपल आउटपुट्स भी हो सकते हैं, और आपके पास इस तरह का ऑर्गेनाइज्ड डेटा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के आधार पर हम प्रेडिक्ट कर रहे थे रेन यस और नो। अगर मेरे पास ऐसा बहुत सारा डेटा है, फिर नए प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की वैल्यूज मेरे पास हैं, तो मैं उसके आधार पर यह पता लगा सकता हूं कि क्या रेन होगी या नहीं होगी। या कोई इंसान के अगर कुछ पैरामीटर्स मेरे पास है, हेल्थ पैरामीटर्स, लेट से उसका ब्लड प्रेशर, लेट से उसकी ब्लड ग्लूकोज, उसी के साथ साथ उसका HbA1c, ये सारी चीज़ें अगर मेरे पास हैं तो मैं पता लगा सकता हूं कि वो डायबिटिक है कि नहीं। अगर मैं इसको एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से रन करूंगा तो पेशेंट के बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी मैं निकाल सकता हूं, एक प्रेजम्पशन निकाल सकता हूं कि इसको डायबिटीज हो सकता है कि नहीं, और उसके आधार पर मैं टेस्ट वगैरह कर सकता हूं। तो मेडिकल एंड हेल्थ केयर में भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल बढ़ रहा है क्योंकि जनरेटिव AI बहुत ज्यादा मैनुअल वर्क बचा रहा है। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि आपके पास जो इनपुट है वो होते हैं, आउटपुट आपका स्पेसिफाइड होता है कि भाई ये आउटपुट है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आपके पास डेटा होता है और उस डेटा पे आपको एक एल्गोरिथम को इस प्रकार से ट्रेन करना होता है कि एल्गोरिथम आप लोगों को बताता है कि ये डेटा किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं क्लस्टरिंग कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं और मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि इनमें से कौन से डेटा पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं और कितना ज़्यादा रिलेटेड है, तो मैं K-means क्लस्टरिंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर सकता हूँ, या फिर मैं और भी बहुत सारे अनसुपरवाइज एल्गोरिथम्स हैं जिनका यूज़ करके क्लस्टरिंग कर सकता हूँ और एक डेटा को कुछ लेबल्स में क्लासिफाई कर सकता हूँ और वो लेबल्स मैं खुद से जनरेट कर सकता हूँ। जनरेटिव AI में और NLP में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। एक बार डेटा न्यूरल नेटवर्क से होकर आ जाता है तो जो सुपरवाइज लर्निंग होती है उसमें लेबल्ड एग्जांपल्स का यूज़ होता है, और जो अनसुपरवाइज लर्निंग होती है उसमें अनलेबल्ड एग्जांपल्स का यूज़ होता है। एक और अनसुपरवाइज लर्निंग का एग्जांपल है क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड डिटेक्शन, कि कौन सा क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड, यहाँ पर कौन सा ट्रांजैक्शन जो है वो एक फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन हो सकता है, बेस्ड ऑन किस IP से वो हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, इस तरह की चीज़ें जो है अनसुपरवाइज लर्निंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। फिर इसके बाद एक और कैटेगरी है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है कि हम लोग एक एजेंट को छोड़ देते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो वो क्या करता है, एजेंट ट्रायल एंड एरर करता है और उस ट्रायल एंड एरर के आधार पर उसको या तो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उसको पेनल्टी मिलती है, और वो क्या करता है अपने रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज करता है, और उसके बाद वो सिर्फ वही काम करता है जिससे उसका रिवॉर्ड मैक्सिमाइज हो, और वो खुद ही इस चीज को जान लेता है कि मुझे ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे कि मेरा रिवॉर्ड जो है वो मैक्सिमाइज हो। अब एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को किसी एक डेटा पे रन करने के लिए एक ओवरऑल प्रोसेस क्या होती है, आप लोग किस तरह की प्रोसेस से गुजरेंगे अगर आप लोग एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से मॉडल को ट्रेन करना चाहते हैं। पहला स्टेप होता है डेटा कलेक्शन, इसमें आप लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब आपका डेटा अगर किसी डेटाबेस में मौजूद है तो वहां से आप डेटा को पुल करके डिजायर्ड फॉर्मेट में लेकर आएंगे, और जो दूसरी स्टेप है डेटा कलेक्शन के बाद वो होती है डेटा प्री प्रोसेसिंग, जिसमें कि आप लोग क्लीनअप करेंगे डेटा को, और क्लीनअप करने के बाद उसको एक ऐसे फॉर्मेट में लाएंगे सच दैट इट कैन बी कंज्यूम्ड बाय अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। इसके बाद होता है मॉडल सिलेक्शन, जिसमें आप एक पर्याप्त मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, या फिर कभी कभी हम बहुत सारे मॉडल्स का प्रयोग करते हैं और इसके लिए पैकेजेस लाइक साइकिट लर्न, टेंसर फ्लो, केरास, पाइटॉर्च, इन सब का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। ये प्रोसेस कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, कभी कभी ये बहुत कम टाइम में भी हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन विच एल्गोरिथम वी आर यूजिंग, हाउ मैनी डेटा पॉइंट्स वी हैव, और किस तरह के डेटा पॉइंट्स हैं। कभी कभी हमारे डेटा पॉइंट्स ही इस तरह के बड़े बड़े वैक्टर्स होते हैं कि अगर कम भी हुए ना उसके बाद भी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है।
इसके बाद हम टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन करते हैं, जिसमें कि हम अपने मॉडल को टेस्ट करते हैं और ये पता लगाते हैं कि जो हमारा मॉडल बना है वो कितना बेहतर बना है, और उसको बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमें एक एक्यूरेसी का नंबर मिलता है और एक्यूरेसी को अगर हम किसी दूसरे एल्गोरिथम से मैक्सिमाइज कर सकते हैं तो हम वो करेंगे। इसके बाद हम प्रेडिक्शंस करते हैं और प्रेडिक्शंस करने के बाद मॉडल को हम प्रोडक्शन में डाल देते हैं, और प्रोडक्शन में डालने के बाद हम उस मॉडल को अपडेट करते रहते हैं जैसे जैसे हमारे पास डेटा आता जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है वो आइटरेटिवली चलती रहती है, रिपीटेडली चलती रहती है। अब हमारे पास कुछ कॉमन मेट्रिक्स होते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को इवैल्यूएट करने के लिए, जैसे कि एक हमारे पास मेट्रिक होता है ROC AOC कर्व, उसी के साथ साथ हमारे पास एक एक्यूरेसी होता है, एक प्रिसीजन होता है, रिकॉल होता है, F1 स्कोर होता है, कन्फ्यूजन मेट्रिक्स होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर, आर स्क्वायर्ड एरर, ये सब क्या होते हैं ये आप लोग एक बार जान जाते हैं तो आप अपने मॉडल को बहुत क्लोजली कर पाएंगे और ये पता लगा पाएंगे कि कौन सा मॉडल आप लोगों के लिए पर्याप्त है जब आप इंडस्ट्री में या फिर प्रोडक्शन में अपने मॉडल को डालना चाहते हो। बेसिक्स ऑलवेज रिमेन द सेम, लेकिन किस तरह से आप लोग डिप्लॉय कर रहे हो सच दैट कि जो आपकी सर्विस है वो डाउन नहीं होती है, आपको डाउन टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, और आपको एक ऐसा मैनेज एनवायरमेंट मिलता है जिससे कि आप अपने मॉडल को रीट्रेन कर पा रहे हो, प्रोडक्शन में डाल पा रहे हो, आपको दिक्कत नहीं हो रही है। और इसके लिए मैंने जैसे कि आपको बताया था अमेजोन के टूल्स आप लोग देखना, चेकआउट करना, सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आप कहोगे कि यार ये बेसिक मशीन लर्निंग आपने बता दी, लेकिन ये AI क्या होता है, ये डीप लर्निंग क्या होता है, जनरेटिव AI क्या होता है। डीप लर्निंग होता है न्यूरल नेटवर्क को बनाना जो कि एक फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करते हैं। वो फंक्शन एज्यूम किया जाता है कि जो डेटा हमें दिया हुआ है उस पर एकदम फिट बैठेगा और आने वाले डेटा पॉइंट्स को भी वो बहुत अच्छी तरह से प्रेडिक्ट करेगा। न्यूरल नेटवर्क बेसिकली एक बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन को, यानी कि ऐसा कॉम्प्लेक्स फंक्शन जिसके बारे में इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता है, उस पे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को अप्रोक्सीमेट कर सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ 3, 4 का 7 और मैं कहूँ 1, 2 का 3 और मैं आपसे कहूँ 4, 4 का 8 तो आप समझ जाओगे यार ऐड किया जा रहा है। तो फंक्शन एकदम सिंपल है, x+y, लेकिन कभी कभी फंक्शन इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि आप उस फंक्शन को कुछ इस प्रकार से बनाना चाहते हो कि वो बहुत ही एक्यूरेटली और रियलिस्टिकली डेटा पर बैठ रहा है। तो इसके लिए हम लोग डीप लर्निंग का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का प्रयोग करते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बेसिकली एक फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करते हैं, बार बार हम डेटा को फीड करते हैं उसके साथ और एरर को मिनिमाइज करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग ट्रेनिंग कहते हैं। अब हमारे पास फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, हमारे पास बैकवर्ड प्रोपोगेशन के मेथड्स होते हैं, फिर न्यूरल नेटवर्क्स के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि CNN कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, RNN रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, उसी के साथ साथ LSTMs होते हैं, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले न्यूरल नेटवर्क्स। इनको लॉन्गर सीक्वेंसेस और वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम के बारे में बात की थी क्या होती है, तो आप लोग देख सकते हो, काफी पहले मैंने वो वीडियोस डाले थे मशीन लर्निंग के, तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो उनको दोबारा वॉच कर सकते हो, मैंने बोर्ड पर बहुत ही क्लासिकल तरीके से समझाया हुआ है उसमें। फिर हमारे पास ऑटो इनकोडर्स होते हैं, GANs होते हैं, जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स, GANs, जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स, जो कि बेसिकली जनरेटिव AI की तरफ एक कदम था। पहले LSTMs का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जब से ट्रांसफॉर्मर्स आए, जो कि अगेन एक तरह का न्यूरल नेटवर्क ही है, एक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है, सच दैट आप लोग NLP पे डेटा को ट्रेन कर पाओ बहुत ही ईजिली, तो आप उसका प्रयोग करके ChatGPT जैसी चीज पर अराइव कर सकते हो। बट अगेन इट्स नॉट दैट ईजी, आप लोगों को इसके बेसिक्स को समझना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को ये देखना होगा कि ट्रांसफॉर्मर का क्या आर्किटेक्चर होता है, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, अटेंशन क्या होता है, क्यों बनाया गया, LSTMs में क्या प्रॉब्लम थी कि ट्रांसफॉर्मर्स पर हम लोग स्विच किए, और एक ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर किस तरह से नए डेटा को जनरेट करता है पुराने डेटा को देखकर, किस तरह से नंबर्स में इनकोड किया जाता है इस सारे टेक्स्चुअल इन्फॉर्मेशन को, सच दैट कि वो प्रेडिक्ट कर रहा है हमारा नेक्स्ट टोकन। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को एक एक चीज़ आनी चाहिए, कि आपको मैथमेटिक्स आ रही है, आप लोग कह रहे हो लॉस फंक्शन ये होता है तो मुझे याद होना चाहिए लॉस फंक्शन, आपको एक पूरा आर्किटेक्चर जो है पाइथन में स्क्रैच से आना चाहिए, नहीं, आप लोग सीखो, आप लोग इन्फॉर्मेशन रखो, जानकारी रखो किस तरह से आपका ये न्यूरल नेटवर्क ट्रेन किया जाता है, और उसके बाद आप लोगों का काम एकदम सिंपल है, अमेजॉन सेज मेकर का प्रयोग करो, अमेजॉन के टूल्स का इस्तेमाल करो, डेटा को फीड करो, आपके लिए एक ऐसी चीज़ बनाई गई है सच दैट कि आप प्रोडक्शन में अपने मॉडल को जल्दी से जल्दी भेज सको, तो आप उसका इस्तेमाल करोगे। कोई नया AI टूल आता है आप उसका इस्तेमाल करो, आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करो जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है, इंस्टेड ऑफ रीइन्वेंटिंग द व्हील आप लोग खुद से काम करोगे तो डेफिनेटली आप लोग जो है सफल होगे इन सब चीज़ों में। तो ये था मशीन लर्निंग, AI और डीप लर्निंग के कुछ बेसिक्स, आप लोग इनको सीखना चाहते हो, अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन स्किल बिल्डर के लिंक्स जो है वो डाल दूंगा, जिस पर आप लोग जनरेटिव AI और अमेजॉन सेज मेकर का किस तरह से प्रयोग करना है जनरेटिव AI की चीज़ों को करने के लिए, वो सब आप लोगों को मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वाला वीडियो जो है वो मैं देख रहा था अमेजॉन का, एंड इट वॉज रियली वेरी हेल्पफुल फॉर मी टू बी ऑनेस्ट, एंड इस पेज पर जाकर आप लोग इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। इसमें सबसे पहले तो मशीन लर्निंग के कुछ बेसिक्स की बात की गई है,
और उसके बाद किस तरह से जनरेटिव AI का प्रयोग किया जा सकता है, अमेजोन सेज मेकर का प्रयोग किया जा सकता है इन सब चीज़ों को करने के लिए, उसके बारे में बताया गया है। सो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में रिसोर्सेज को चेकआउट कर लेना। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग का क्या कहना है यार, क्या आप लोग सहमत हो मेरी बातों से कि AI जॉब को नहीं लेगा, लेकिन AI टूल्स को यूज़ करने वाला आपकी जॉब जरूर ले जाने का दम रखता है। विद दैट सेट, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।